के पलेरा में एक दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 3 साल की बच्ची के साथ उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। इस बात की शिकायत पीड़िता के पिता ने पुलिस से कर दी है। मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा का है, जहां ग्राम बन्ने बुजुर्ग में एक 3 साल की बच्ची के साथ सगे चाचा पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। पुलिस से शिकायत करने के बाद पीड़िता के पिता ने बताया कि वह अपने खेत पर ईंट गुम्मा बनाने के बाद शाम को 7 बजे अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि बच्ची के साथ उसके चचेरे भाई के लड़के लाल सिंह यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। इसके बाद जब बच्ची के पिता ने अपने चाचा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए भगा दिया। बच्ची के साथ गलत हुआ, लाल सिंह यादव कौन है कुटुंब भी कहा तो उनसे, तो मतलब बच्ची ने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा किया कि मतलब हमारी उनका लेटे और हमारी चट्टी भी उतारी तो बच्ची घूमने लगी, जो कि बच्ची ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने सुबह शाम के 7 बजे हमको भी सुनाया, तो मैं उनके घर पर गया, उनने हमसे बुला के जाओ तुम फांसी करवाओ, कोई रोकने की वैसे अपने बच्चा को फांसने की कोई उनने बात नहीं की, हमसे बोले जाओ फांसी करवाओ तो हम तुरंत थाने चले गए। भाई इतनी बात ही, बच्ची के हुए गलत व्यवहार से दुखी पिता ने तुरंत ही इस मामले की शिकायत थाना पलेरा में की, जिसके बाद तुरंत ही थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, धनीराम यादव निवासी ग्राम बंदे के पराके हैं, इनकी बच्ची 3.5 साल की उम्र है, खेती किसानी का काम करता है, उसने एक लिखित आवेदन पत्र थाने में दिया है कि उसकी बच्ची के साथ में उसके चचेरे भाई लाल सिंह द्वारा बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। उसके लिखित आवेदन पर से अपराध क्रमांक 106/18 कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की पुलिस सरगर्मी से तलाश की कर रही है और अभी आरोपी घटना दिनांक से फरार है, उसको अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ बीके के लिए पलेरा से आशीष रजक की रिपोर्ट।